हेलो स्टूडेंट्स दिस इज कोमल योर एस एस एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी कैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किंडी गार्डन से लेके क्लास ट्वेल्थ तक की सी बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की कोर्सेज कैसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में सिस्टमैटिक वे में डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे तो प्रैक्टिस भी करते जाएगा ई e नोट्स और ई बुक्स की लिंक भी बॉक्स में अवेलेबल है सो so, हम क्या करेंगे हम चैप्टर सेकंड का फाइनली करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं और काफी जल्दी हमें चीजें याद आ जाती हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और आप लोग मुझे क्या करेंगे कमेंट में आंसर करते जाएंगे ठीक है और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी कर दीजिए कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके अदर क्लासमेट्स भी आए और जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें आंसर करें क्योंकि एक्शन में अप्लाई करेंगे चीजों को अप्लाई करेंगे सिर्फ रटना नहीं है समझना है अप्लाई करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा ठीक है जल्दी लर्न होगी चीज़ें पहला क्वेश्चन में चलते हैं द टोटल अर्थ सरफेस कवर विथ वाटर इज अबाउट जो टोटल अर्थ सरफेस है वो कितना अर्थ का जो है अर्थ का एरिया कवर करती है मतलब अर्थ का जो सरफेस है कितना वाटर कवर करता है वाटर कितना है अर्थ के सरफेस में जैसे ये है अर्थ है तो अब इसमें से वाटर का कितना परसेंटेज है कितने उसमें है हम देखते हैं भाई वन फोर्थ है क्या या टू थर्ड है थ्री फोर्थ है या वन थर्ड है तो आई होप आपका आंसर फटाफट से आ गया होगा तो इसका आंसर है सी जो है थ्री फोर्थ ठीक है क्या है भाई थ्री फोर्थ ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है आगे बढ़ते हैं रेडी रहिए है, कॉमेंट करने के लिए आंसर करने के लिए Which of the following factors influences the type and distribution of natural vegetation? वेजिटेशन इन इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो क्या करते हैं प्रभावित करते हैं किसको कि भाई नेचुरल वेजिटेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी कैसे बांटी जाएंगी कैसे जो, जो है बटेंगी क्योंकि हर जगह एक जैसी नहीं होती अलग अलग होती है तो कौन से जो फैक्टर्स हैं इसको डिटरमाइन करते हैं लैंडफॉर्म्स करते हैं क्या सॉइल करती है या क्लाइमेट करती है क्या करती है फटाफट कॉमेंट में मुझे बता दीजिए फटाफट से कॉमेंट में मुझे बता दीजिए क्या करते हैं भाई लैंडफॉर्म करेगा सॉइल करेगी क्लाइमेट करेगा क्या करेगा भाई ऑल ऑफ दीज ये सारे इम्पैक्ट डालेंगे क्या डालेंगे ये सारे इम्पैक्ट डालेंगे चलिए वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट भाई जो वन महोत्सव है वो किसके अवेयरनेस के लिए हम मनाते हैं वन महोत्सव वन से तो समझ में आ ही गया होगा तो मुझे लगता है आपने आंसर भी कर दिया होगा क्या लगता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्ले है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल के लिए है या रिसाइकलिंग ऑफ वाटर के लिए है या प्रिजर्विंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए ये तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा आंसर क्या है आंसर है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट को बचाने के लिए प्रिजर्व करने के लिए उनको संभालने के लिए ठीक है तो क्या आंसर है? है इसका आंसर है इसका फर्स्ट ठीक है ग्रीन सिग्नल भी आ गया है आप लोग ने आंसर भी कर दिया होगा आगे चलते हैं वॉट इज द परसेंटेज ऑफ यूजेबल वाटर फॉर ह्यूमन कंजम्पन भाई जो यूजेबल वाटर है जो हम सिर्फ यूज कर सकते हैं जो फ्रेश वाटर है हमारे कंजम्पन के लिए मतलब समझ रहे हो कंजम्पन के लिए अगर वाटर मतलब हमारे पास हंड्रेड परसेंट है फॉर पर एग्जाम्पल जस्ट लेके चले हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट है तो उसमें से हम कितना यूज कर सकते हैं नाइन्टी सेवन परसेंट यूज कर सकते हैं क्या बात है नाइन्टी सेवन हो तो इतना जो हम बोलते हैं ना पानी की प्रॉब्लम है पानी गंदा हो रहा है बचाओ पानी को इतना क्यों ही बोलते हैं तो इसका आंसर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लगा दिया होगा इसका आंसर है सी दैट मीन 1%. कितना ओनली ठीक है देखिए इतना कम पानी है इसको संभालते हुए चलना है चलिए द द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप एज फॉरेस्ट ग्रास लैंड टुंडरा एंड चार हमने पढ़े थे ना पहला हो गया फॉरेस्ट दूसरा ग्रास लैंड तीसरा टुंड्रा हो गया फोर्थ कौन सा था आई थिंक फोर्थ श्रब्स या स्क्रब्स कंफ्यूज मत होना जो फोर्थ है फोर्थ का जो फिफ्थ का जो आंसर है वो है सी स्क्रब्स क्या थे स्क्रब्स थे, ठीक है थीके? मुझे उम्मीद है आपने सही आंसर लगा दिया होगा चलिए आगे चलते हैं लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड अरेबल लैंड हैज़ अकर ड्यू टू द फॉलोइंग भाई जो लार्ज डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट फॉरेस्ट का जो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है जो एग्रीकल्चर लैंड है जो फार्म के लिए लैंड है वो भी डिस्ट्रक्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है उनका लॉस हो रहा है उनको भी दिक्कत हो रही है ठीक है उनको भी मतलब सही बात है अगर ज़्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा बिल्डिंग्स बनेगी प्राइवेटाइजेशन होगा प्राइवेटाइजेशन बोल रही सॉरी अर्बनाइजेशन होगा हो हो इंडस्ट्रीज बनेगी तो क्या होगा जो भाई जो खेती बाड़ी के लिए जो लैंड है वो भी धीरे धीरे क्या करते हैं जो बिल्डर्स हैं खरीद लेते हैं है कि हम यहां पे मॉल बनाएंगे या फ्लैट्स बनाएंगे अच्छे बंगलोज बनाएंगे तो क्या होता है लैंड में इंपैक्ट पड़ता है या नहीं लैंड जो है डिस्ट्रक्ट होता है नहीं साथ में ये सब चीज़ों से तो भाई क्या हो जाएगा इनको क्या बोलेंगे ग्रोइंग पॉपुलेशन पॉपुलेशन बोलेंगे है है ना किसके कारण होता ये बढ़ने के कारण होता है क्या या एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन की डिमांड के कारण होता है भाई इनके दोनों रीजन है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन की डिमांड भी बढ़ रही है तो लैंड का यूज बढ़ेगा और डिस्ट्रक्शन भी बढ़ेगा ठीक है तो इसका आंसर है सी ठीक है चलिए विच ऑफ़ द फॉलिंग इज यूज फॉर सॉइल कंजर्वेशन इनमें से जो है सॉइल कंजर्वेशन के लिए क्या ईज़ होता है ये तो बहुत ईजी है फटाख से लगा भी दिया होगा मल्चिंग होता है शेल्टर बेल्ट होता है कॉन्ट्री प्लॉगिंग होता है क्या होता है क्या होता है भाई इसका है ऑल ऑफ दीज सब होता है ठीक है तीनों विच ऑफ द फॉलिंग डिटर्माइन द यूज ऑफ लैंड इनमें से कौन सा है जो बताता है लैंड का जो, मतलब जो इम्पैक्ट डालता है कि लैंड का यूज होगा लैंड यूज करने लायक है या नहीं क्या बताता है ठीक है सॉइल और टोपोग्राफी तोपर्रा, बताती है या क्लाइमेट और वेजिटेशन बताता है वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं वो बताता है या ऑल ऑफ दीज आई थिंक आपने आंसर लगा दिया होगा कि सारी चीजें चाहे सॉइल हो या टोपोग्राफी हो वाटर की अवेलेबिलिटी है या नहीं सॉइल कितनी फर्टाइल है, है या नहीं क्लाइमेट और वेजिटेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है लैंड का यूज करते हैं ठीक है थीके? तो क्या है डिटरमाइन करता है तो आंसर इसका है डी लैंड यूज इज लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज लाइक एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री माइनिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स हाउसेस इंडस्ट्रीज एंड रोड दिस इज कॉमनली टर्म एज लैंड है यूज हो रहा है किन किन पर्पज से अलग अलग पर्पज से जैसे एग्रीकल्चर के लिए भी हो रहा है फॉरेस्ट्री के लिए भी हो रहा है माइनिंग के लिए भी हो रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए भी हो रहा है बिल्डिंग के हाउसेस के लिए भी हो रहा है इंडस्ट्रीज और रोड के लिए हो रहा है तो इन्हें क्या कहते हैं कॉमनली इस चीज को क्या कहते हैं आई थिंक लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं क्या मतलब ये तो लैंड की बर्बादी तो वैसे तो इन चीज़ों से इम्पैक्ट पड़ रहा है बट एक्जैक्टली exactly ये टर्म नहीं कहेंगे क्या लैंड यूज कहेंगे ये कुछ कुछ लग रहा है लैंड फिलिंग कहेंगे ये क्या है या लैंड डिगिंग कहेंगे तो इसका आंसर क्या है लैंड यूज यानी बीस का आंसर है मतलब जो है लैंड यूज क्यों इसको क्या बोलेंगे कि भाई लैंड यूज ही इसलिए हो रहा है ना किस लिए हो रहा है इन चीज इतने पर्पज हम क्या करें लैंड का उपयोग कर रहे हैं तो जब लैंड का यूज़ करें तो उसे क्या बोलेंगे लैंड यूज़ ही बोलेंगे उस टर्म को हम क्या बोलेंगे उस टर्म को हम बोलेंगे लैंड यूज ठीक है चलिए द एग्जाम्पल ऑफ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भाई ऐसी प्रॉपर्टी ऐसी रिसोर्स मतलब हम लैंड की बात कर रहे हैं जो सब यूज़ कर सकते हैं कॉमनली सब यूज़ कर सकते हैं तो क्या उसे प्राइवेट बोलेंगे क्या या इंडिविजुअल बिल्डिंग बोलेंगे बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता इंडिविजुअली नहीं बोल सकते क्योंकि हम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम कॉमन प्रॉपर्टी जो सब यूज़ कर सकें तो उसको क्या बोलेंगे कम्युनिटी लैंड क्या बोलेंगे उसको उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी लैंड मुझे उम्मीद है आप लोग ने सही आंसर लगा दिया होगा the uneven distribution of population in the world is due to the varied characteristics of बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इंपैक्ट करते हैं बहुत सारे वेराइट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इंपैक्ट करते हैं अलग अलग टाइप के है ना तो कौन से कौन से हो सकते हैं जो अन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इतना अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है मतलब कहीं पे ज्यादा है कहीं पे क्या है पॉपुलेशन कम है तो भाई द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन अलग अलग जम है कि पहाड़ों में कम होगी है ना या अच्छे प्लेन एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी तो ऐसा क्यों लैंड एंड क्लाइमेट के कारण होता है या क्लाइमेट वेजिटेशन या सेटलमेंट किसके कारण होता है किसके कारण होता है लैंड एंड क्लाइमेट के कारण होता है किसके कारण होता है भाई लैंड एंड क्लाइमेट के कारण होता है ठीक है चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स इन तीनों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है लैंड है क्या वाटर है एयर है या ऑल ऑफ दीज है भाई ये ऑल ऑफ दीज है सारी है ना सारी नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट लैंड भी काम आएगी लैंड के बिना नहीं चलेगा वाटर के बिना नहीं चलेगा एयर के बिना नहीं चलेगा तो ए बी सी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर क्या हो गया डी हो गया ठीक है चलिए डैश डिटमाइंस कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल ऑफ सॉइल हम मिट्टी की मिट्टी का अगर हमें कलर जानना है मिट्टी का हमें टेक्सचर जानना है मिट्टी की हमें प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज जाननी मिनरल जानना है तो इसे क्या बोलेंगे क्या इसे हम टाइम बोलेंगे टाइम के कारण होता है या क्लाइमेट से होता है पेरेंट रॉक से होता है या रिलीफ से होता है मैंने बताया था ना पेरेंट भाई जहाँ पेरेंट माता पिता जैसे हमारे बोलते हैं ना पेरेंट्स के पेरेंट्स को देख के उनके कलर को देख के उनके बिहेवियर को देख के उनकी हाइट को देख के पता चल जाता है कि बच्चा थोड़ा लंबा होगा या ये भी अगर पापा मम्मी गुस्से है तो ये भी थोड़ा गुस्सा है होगा ऐसा सुना होगा आपने कि भाई जेनेटिकली चीज़ें आती है पेरेंट्स से तो अगर पेरेंट रॉक क्या डिसाइड करेगा पेरेंट रॉक मिट्टी का कलर डिसाइड करेगा टेक्स्चर डिसाइड करेगा मिनरल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करेगा ठीक है चलिए तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है पेरेंट रॉक आगे चलते हैं। Dash are made to protect our natural vegetation. ये जो जो इनमें से कौन सा है, है? मतलब है प्रिजर्व करने के लिए बना हुआ है क्या लगता है नेशनल पार्क बने हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी है बायोस्फेर रिजर्व बने हैं, सारे सब सब जगह ऐसा होता है कि जो वेजिटेशन और जो है हमारे एनिमल्स के देख रेख उनकी प्रोटेक्शन के लिए ताकि उनकी उनका जो इलीगल ट्रेड ना हो इलीगल तरीके से उन्हें मारा ना जाए ठीक है तो क्या होता है इन इन सब जगहों पे उनका जो है उनके उनका प्रोटेक्शन उन्हें मिलता है कि नहीं एनिमल और किसकी बात हो रही है वेजिटेशन की ठीक है उनको प्रोटेक्शन मिलता है इस जगह पर तो क्या है ये सारे बने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए तीनों ये तीनों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट डी इसका आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं देख लेते हैं पहले ये ठीक है लिविंग बींग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल इन अ बायोस्फेयर एंड दिस सपोर्टिंग सिस्टम इज कॉल्ड एंड मतलब भाई क्या बताया था मैंने लिविंग बींग्स जो सारे जीवित जंतु हैं जीव जंतु हैं वो क्या है वो एक दूसरे से एक जगह पे इंटर रिलेटेड है मतलब हम भाईचारा दोस्त बन के रहेंगे एक दूसरे का साथ देंगे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे एक दूसरे पे निर्भर भी रहेंगे और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे रिलेट भी करेंगे तो इस सपोर्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम क्या बोलते हैं इस सपोर्टिंग सिस्टम को हम बोलते हैं इको क्या बोलते हैं इको सिस्टम. सिस्टम बोल दिया तो इको से भी आप समझ सकते हैं बट मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लिविंग जो थ्रींगयोस्फेयर के अंदर है एक दूसरे के साथ बिल्कुल भाईचारे में रहते हैं बहुत अच्छे से रहते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे इको ठीक है चलिए देखिए ये भी आ गया आगे चलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन कंप्राइजेस ऑफ जो टुंड्रा वेजिटेशन है वो किससे कंप्राइज होती है क्या रहता है उसमें लॉन्ग ग्रासेस होती हैं उनमें ठीक है लॉन्ग ट्रीज होते हैं मॉसेज एंड लाइक होते हैं या हर्ब्स होते हैं क्या होता है उसका हमने पढ़ा था उसका जो आंसर है मॉसेज एंड लाइक होते हैं उसके अंदर ठीक है क्या होते हैं मॉसेज एंड लाइक ठीक है lichens, चलिए तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने सारे आंसर्स लगाए होंगे फटाफट लाइक भी कर दिया होगा और आंसर जो है आपके जो उत्तर आप दे रहे जो आंसर आप दे रहे कमेंट कर दिया होगा और जो है शेयर भी कर दिया होगा फ्रेंड्स को ताकि वो भी आए पढ़े और अप्लाई करें और सीखें ठीक है चलिए इसी के साथ हैं जो आपके इंटरेस्टिंग एम सी क्यूज एंड होते हैं आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और रिकॉल हो भी गया होगा और सही भी आपने आंसर दिए होंगे अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हो आप मैगने ब्रेन के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं एप्लीकेशन पर देख सकते हैं वेबसाइट पर देख सकते हैं ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये कुछ हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि कैसे आपको हंड्रेड फ्री अवेलेबल है जैसे कि सी बी एस ई बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अवेलेबल हैं आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स टेलीग्राम और वाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग